पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने आई थिंक द इरा ऑफ अन इंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर एक्शंस है सोफार एज जम्मू एंड कश्मीर इस कंसर्ट आई थिंक थ्री सेवेंटी इज डन सो द इशू टूडे इज वट काइंड ऑफ रिलेशनशिप कैन वी पॉसिबली कंटेपलेट विद पाकिस्तान सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद दिस एटीट्यूड ऑफ इंडिया मुझे ऐसा लगता है कि देर इज नो एपिटाइट इन पाकिस्तान टू टाक टू इंडिया पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं देव गॉड मतलब दे आर मतलब वो जैसे कहते हैं नी जिच हो गए अब ये क्या बात हुई हर दफा यही बात हर दफा यही बात हर दफा यही बात हमने भी आपसे बात नहीं करनी लेकिन इस बार तो खैर मोदी जी बहुत ही नाराज दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ डॉक्टर जय शंकर ने भी जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही झंडी दिखा दी है कि जी नो लिफ, निकलो चलो इधर से तो अब पाकिस्तान के पास सेकेंड ऑप्शन क्या है पाकिस्तान अब किस तरह से और क्या बात करके कोशिश करे के भारत के साथ बातचीत शुरू हो जाए जो वादे करें वो पूरे करें चाहे चीन के साथ हो या ईरान के साथ हो और हम इतने तो खौफ से बाहर निकले तो... और ये पिछले चार पांच सालों से जब से हमने 370 को डस्टबिन में फेंक दिया और डस्टबिन को आग भी लगा दी है तब से उनका यही मंशा है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म टेररिज्म करता है मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि इंडिया क्या बोल रहा है मैं इसलिए परेशान हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं वाकई चाहता हूँ कि मैं उनको सुनू उनका क्या मौका है उनका मौक़ भी है वो जुबान भी रखते हैं कि नहीं रखते वो क्या बोलते हैं मतलब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं आप सिर्फ यही पैगाम जारी करते हैं कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को तरक्की होते नहीं देख रहे भाई जमाना गुजर गया <ड़ाँ> नमस्कार दोस्तों जय हिंद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का दौर अब खत्म हो चुका है अब पड़ोसी देश के साथ ऐसे रिश्तों का कल्पना करें उन्होंने कहा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है विदेश मंत्री ने दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा की जरूरत पड़ने आरोप पर हम प्रतिक्रिया करेंगे विदेश मंत्री ने कहा की पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का दौर खत्म हो गया है जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है धारा तीन खत्म हो गयी है तो मुद्दा यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते पर विचार कर सकते हैं ऐसे में अब सवाल ये है कि हम पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते चाहते हैं जयशंकर ने आगे कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे घटनाक्रम चाहे अच्छा हो या बुरा हम उस पर प्रतिक्रिया देंगे जयशंकर ने पड़ोसी देशों के बीच की उलझनों के बारे में भी बताया उन्होंने कहा की दो देशों के बीच राजनीतिक संबंध खासकर जब वे भौगोलिक रूप ऐसी जुड़े हो चुनौती हो सकते हैं उन्होंने पूछा पड़ोसी एक पहेली होते हैं मुझे बताइए की ऐसा कौन सा देश है जिसके पड़ोसियों के साथ चुनौती नहीं है जयशंकर की ये बयान सुन पाकिस्तान मीडिया तिलमिलाया उठा है दोस्तों भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने एक बुक लॉन्चिंग पे कल खिताब किया और उस पर बड़ा उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया है वेरी इम्पोर्टेंट बेसिकली लग ये रहा था उनकी कल की गुफ्तु से कि वो समझते थे दो मुल्क जो है वो मसला है एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश इमीडिएटली जो नजर आ रहा था बांग्लादेश के हवाले से भी उन्होंने ये कर, ये ये बात उन्होंने की पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है जिसमें दो तीन जारी बात है मोटी मोटी चीजें हैं एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इट मीनस नो कम्प्रोमाइज हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी सो इट मीन्स कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है तो बात शुरू कैसे होगी और दूसरा यह है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म टेररिज्म करता है मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि इंडिया क्या बोल रहा है मैं इसलिए परेशान हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों नहीं बोलते मेरा ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं वाकई चाहता हूं कि मैं उनको सुनूं उनका क्या मौका है उनका मौकाफ भी है वो जुबान भी रखते हैं कि नहीं रखते वो क्या बोलते हैं मतलब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं आप सिर्फ यही पैगाम जारी करते हैं कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को तरक्की होते नहीं देख रहे भाई ज़माना गुजर गया ये जो कॉन्सपरेसी थेरीज थी ना दुनिया की ताकतें चाहती हैं आप तरक्की करें इसमें मैं रूलिंग पार्टी को के लेंस से नहीं मैं बात कर रहा कि रूलिंग पार्टी जो है उसके लिए माजी में क्या मसले पैदा हुए थे या क्या हुआ था मैं ये कहानी नहीं कह रहा मैं और कहानी बात कर रहा हूँ क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं हमने कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है इट मीन्स थ्री सेवनटी थर्टी फाइव ए नहीं करना जितने वो स्ट्रांग पोजिशन लेके बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से भारत क्या चाहता है भारत चाहता है कि आप लचक ही का इजहार ही ना करो पाकिस्तान से बात करने के लिए बिकॉज अगर भारत लचक का इजहार करेगा तो क्या होगा फिर पाकिस्तान कहेगा कि थ्री सेवनटी को रिवोक करो थर्टी फाइव ए को जो आपने किया उसको रिस्टोर करो सो भारत कहता है जी हमने तो बात ही नहीं करनी आपने बात करनी है हाँ ये प्री कंडीशन है कश्मीर पे इस तरह बात करेंगे सो so, लिहाजा ये स्टैंड स्टिल हो गया और फिर जारी बात है वो आप इंडियन से बात कर रहे हैं वो क्या कहते हैं वो कहते हैं जनाब आप ठीक है हमारे नेबर हैं लेकिन आपने फैसला किया था आपने हाई कमिश्नर वापस बुला लिए तो बस ठीक है दैट्स इट ओके फाइन हमने तो कुछ नहीं किया मतलब वो इस अंदाज से किया तो जारी बात है सारा कुछ उन्होंने खुद ही कहते तो वो ऐसे ही है लेकिन एक पॉइंट है उनका सो so, कह रहे कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सो so, आप इंडिया को डायलॉग की जरूरत ही कोई नहीं है आप किसी फोरम में हैं नहीं है। इंडिया वैसे इग्नोर कर चुका हुआ है आप माने या ना माने मेरी जाति राय में एस सी ओ इंडिया नहीं चाहता एस सी ओ तरक्की करे बिकॉज वो चाइनीज लैंड एक ब्लॉक है तो आपको तो उस आप एक ही मल्टी ब्लॉक में इंडिया के साथ मौजूद हैं इंडिया और चाइना को तो मौका मिलता रहता है वो तो हर जगह बात करते रहते हैं पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिलता कि कहीं पे बात करे सो so, राते ही नहीं होता छे छह महीने आठ आठ महीने तो क्योंकि टकरा ही नहीं होता इतने हम डिस्कनेक्टेड हैं एंड मल्टीलैटरली विद इंडिया सो ये जो जम्मू एंड कश्मीर पे वो कह रहे हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा हाँ एक चीज वो कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव इवेंट्स जो पाकिस्तान के साथ होंगे उस पर रिएक्ट करेगा ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है नेगेटिव तो हो गया ठीक है आपका पाकिस्तान के साथ मसला होगा तो रिएक्ट करेंगे पॉजिटिव में क्या रिएक्ट करेंगे पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि ये नहीं है कि आप कश्मीर में जो मर्जी कराएंगे आप हमारे यहाँ वो जो इंडिया बार बार एक ही इल्जाम लगाता है जी के नाइन छब्बीस ग्यारह हुआ सारा कुछ हुआ पाकिस्तान की फौज इन्वॉल्व थी ये वो जो मर्जी इंडिया बोलता रहता है वो कहते हैं ये जो अनप्टेड डायलॉग की आप बात करेंगे ना ये हम आकसा नहीं करेंगे ये नहीं है कि आप जो मर्जी करते रहें और हम आपको बात करते रहें गप मारते रहें सो so, जो भी पाकिस्तान एक्शन लेगा मुराद ये है कि वो जो टेररिज्म को वो स्पॉन्सर करता है ये उनका मौका है लेकिन बजाई बात है पाकिस्तान की एक अपनी ऑब्जर्वेशन है व्यू है पाकिस्तान को छोटा मुल्क थोड़ा ही है कि जो पाकिस्तान जो है वो उनको कहा जाएगा पाकिस्तान मान लेगा पाकिस्तान कहते हैं आपने इंडिया की हजमनी इस खिते में नहीं माननी पाकिस्तान से के के बारे में बात करते हुए जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत जयशंकर उनका कहना यह है एरा ऑफ अन इंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर जी हाँ यानी कि जो पाकिस्तान के साथ पहले बातचीत हुआ करती थी या होती रही है वो एरा प, जी खत्म हो गया है ओवर हो गया है और अब पाकिस्तान से बात नहीं होगी तकरीबन यही कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर जयशंकर लेकिन बात सारी ये है कि वैसे तो डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान में बहुत लोग पसंद करते हैं बहुत लोग उनके फैन हैं लेकिन यहाँ पर ये बात जो उन्होंने की है वो डेफिनेटली है, उनकी जो गवर्नमेंट है जो उनकी बाकी की टीम है उन्होंने कुछ डिसाइड करके ही बात की होगी लेकिन बात सारी ये है कि सर कंट्रीज के बीच में ये छोटी मोटी बातचे बातें या समझे बड़ी लंबी चौड़ी बातें भी होती रहती है लेकिन साथ ये कहना कि अब डायलॉग नहीं हो सकता बातचीत नहीं हो सकती ये थोड़ा सा शायद आप लोग ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन खैर इसका रीजन भी डेफिनेटली यही होगा कि पाकिस्तान की तरफ से पहले भी कई बार गलतियां की जा चुकी हैं और पाकिस्तान जो है वो कई बार ऐसा भी हुआ है कि भारत ने शिकायत भी की भारत ने बातचीत करने की और चीजों को ठीक करने की भी कोशिश की लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उन चीजों को सीरियसली या उन बातों को या उन शिकायतों को उन को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया और यही वजह है कि आज भारत हमारे साथ बात करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई नहीं देता साथ साथ पीएम मोदी का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जो कि उन्होंने इंडियन टीवी को दिया है और उसमें भी जब उनसे पाकिस्तान के बारे में बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के लोग आराम से रहें, अपना जो दो रोटी खाते हैं वो खाएं हमारा कोई लेना देना नहीं यानी उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए कोई बुरी बात तो नहीं कही उन्होंने यही कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान जो है वो आराम से रहे और अपना जो काम भी करना है वो करके